फॉर यू जस्ट बॉर्न किड्स चॉइस। एआरके गिरी सिल्क एंड सारी। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटका बीजेपी के खिलाफ निकाली बाइक रैली। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बिदर साउथ के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नसीमुद्दीन पटेल के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ टू बी मुस्लिम रिजर्वेशन 4% खत्म करने पर बाइक रैली निकाली। 27 मार्च 2023 को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नसीमुद्दीन पटेल ने बाइक रैली चलते हुए बताया कि कर्नाटक का बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को खत्म करने आदेश जारी किया है, जिस पर नसीमुद्दीन पटेल ने बात करते हुए कहा कि कर्नाटका बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को खत्म किया। मैं इन असंवैधानिक आदेश की निंदा करता हूं और कहा कि ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये बाइक रैली मन्नाखेड़ी से हिचनली पहुंची, जहां एक्स मिनिस्टर मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल की मजार पर फूल चादर चढ़ाने के बाद ये बाइक रैली रिटर्न मन्नाखेड़ी पहुंची। मन्नाखेड़ी के बीच आने वाले मंगल की नरना कमठाना सिरसी बगदल से मन्नाखेड़ी पहुंची। इस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा बाइक रैली। हाईलाइट इंडस्ट्री एएसी ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट। हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटी। सो होम इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फर्नीचर। बाइक रैली के माध्यम से प्रोटेस्ट किया। मिनोरिटीज मुस्लिम रहो टू बी 4% रिजर्वेशन इरंदंद्र सरकार कैंसल ಮಾಡೋ ಸಲಕ್ಕೆ ಇರದಕ್ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ। ಅದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಡಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿವ ದೋಸ್ತೋ ಬುಜುರ್ಗೋ ये जो माइनॉरिटीज लोगों का मुस्लिम लोगों का टू बी जो रिजर्वेशन था और 4% रिजर्वेशन तो था वो सरकार के आयोग परसों ये रिजर्वेशन पास किए ये कैंसिल करना बोलते उसके लिए सरकार के खिलाफ में हम ये रैली निकाल रहे हैं। जब एक माइनॉरिटीज लोगों को क्या है बोले तो एक रिजर्वेशन एक हक है वो हक जीतते हैं तो इसके लिए और भी हम सरकार को क्या है तो चेतन देते हैं आने वाले दिन में और ज्यादा से ज्यादा हम इसके लिए आवाज करेंगे और होगा। द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस इसके लिए आवाज करेंगे और होगा संघर्ष करेंगे। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।